ओके okay, देन जल्दी से थोड़े से कैरेक्टेरिस्टिक्स देख लेते हैं लोकल uh, एनस्थेटिक्स के तो दो हैं जो वाइवा में पूछे जाते हैं कि वाई आर लोकल एनाथैटिक्स लेस पोटेंट इन फ्लेम टिश्यूज हम कहते हैं कि ओके नॉर्मली हम फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर डेंटल सर्जरी और हमने टूथ uh, की एक्सट्रैक्शन करनी है एंड वी से दैट द टूथ इज़ इन्फेक्टेड एंड वी कीप ऑन इंजेक्टिंग दैट टूथ विद लाइडोकिन बट वो सुन नहीं हो रहा होता तो उसकी क्या रीज़न है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन पड़ी हुई है इसलिए वो सुन नहीं हो रहा बट इन्फेक्शन की वजह से क्यों लोकल अनस्थेटिक का असर नहीं आता वो इसलिए क्योंकि एज अ लोकल टिश्यू इज़ इन्फेक्टेड वहां के पी एच कम हो जाती है इन द इन्फेक्टेड एरिया एंड लोकल एनथेटिक वेन इंजेक्टेड इन टू दट इन्फेक्टेड एरिया इट इट लो पी एच और एसेटिक पी एच द लोकल एनसेटिकट एग्जिस्ट इनड फॉर्मज फॉर्म ऑफ लोकल एनसेटिकनएबल टू इंटर द सेलमेन ब्रेन ऑफ द न्यून तो दट इज असिस ऑफ फील्ड ब्लॉक के हम ब्लॉक देते रहते हैं विकन इंजेक्टिन बट असर नहीं हो रहा था तो दट इज़ अ रीज़न के इन्फेक्टेड टिश्यूज़ की पीएच कम होती है जिस वजह से पेनट्रेशन नहीं हो पाती लोकन एनसर्टी विदिन द सेल्स और इट इट्स नॉट एबल टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन व्हाई बिकॉज इट इज एक्जिटिंग इन एन आयनाइज फॉर्म बट इट नीड्स टू बी इन ए अन फॉर्म इन ऑर्डर टू एंटर द सेल्स ठीक है अच्छा नेक्स्ट एक इम्पॉटेंट डिस्टिक्स जो है लोकल अनथेटिक वे कि अगर हम लोकल एनथेटिक्स को वेजो कंस्ट्रक्टर के साथ दें या फॉर एग्जांपल एपीनफ्रीन के साथ दें विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेजो कंस्ट्रक्टर तो इसका फायदा क्या होता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ और वट इज़ द रैशनल ऑफ रेनल लोकल अनस्थेटिक विद एपीफ्रीन और वेजो कंस्ट्रक्टर उसका यह फायदा है नंबर वन दैट द लोकलाइज इज दे इंक्रीज लोकलाइज्ड न्यूरोनल अपटेक डेफिनेटली जब लोकल uh, एथेटिक uh, जहां पर दिया है उस एरिया के इर्द गिर्द की वेजल्स हम वेजो uh, कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो लोकल एनथेटिक है वो उस एरिया ही रहेगा और वो कहीं स्प्रेड नहीं करेगा तो, uh, तो विच एक, एक पे ऑफेटिकटेड फॉर्म में रहेगा तो वहां से उसका अपटेक जो है बाय द न्यूरोनल सेल वो भी इंक्रीज हो जाएगा तो जो पहला फायदा है वैसे कंस्ट्रक्टर यूज करने का दैट इज द लोकलाइज न्यूरोनल अपटेक इज इनहस्ड बिकॉज ऑफ हायर सस्टेंड लोकल टिश्यू कंसंट्रेशन ऑफ द एनेस्थेटिक इस वजह से ड्यूरेशन ऑफ ब्लॉक भी इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि एक जगह पे जब पड़ा हुआ है कहीं फैल नहीं रहा तो वहीं से एब्जॉर्ब होता रहेगा फ़ायदा नहीं जगह तो उसका ड्यूरेशन ऑफ ब्लॉक भी इंक्रीज हो जाएगा तो उसका फ़ायदा ये भी है और जो है वो हम इस तरह का एनस्जिया मोस्टली प्रोलॉन्ग प्रोसीजर से यूज़ करते हैं जिसके लिए हम चाहते हैं कि जल्दी वो वेन ऑफ ना हो और प्रोलॉन्ग प्रोसीजर से यूज़ करते हैं एक्सटेंडेड पोस्ट ऑफ पेन कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं और चूंकि एक ही जगह से वो अब्जॉर्ब होता जा रहा है तो हमें और इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती तो एनेस्थेटिक रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है बाई गिविंग अ लोकल सॉरी बाई गिविंग अ लोकल वेजो कॉन्स्ट्रक्टर सिम्पली वेजोकटर सॉफ्ट लॉन्ग विद लोकल एनेस्थेटिक ठीक है सेकंड फायदा ये कि चूंकि वो एक ही जगह पर लोकलाइज रह रहा है और ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं हो रहा ड्यू टू वेजो कॉन्स्ट्रक्शन और वजल्स उसके जो पीक ब्लड लेवल्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स आ सकते थे वो भी कम हो जाते हैं ठीक है थर्ड फायदा ये है कि जब हम लोकल एनेस्थेटिक को स्पाइनल एनसेसिया देते हैं अलॉन्ग विद अपने तो अपन तो फ्रीन ना सिर्फ वहाँ पे एक्शन लोकल लोकलटिक एक्शन को प्रोलॉन्ग करने में हेल्पफुल होती है डोडो तो कॉन्स्ट्रेक्टिव इफेक्ट बल्कि साथ ही साथ वो एक इफेक्ट भी प्रोवाइड करती है बाय एक्टिंग ऑन द पोस्ट साइनैप्टिक एल्फा टू एडिनोसेप्टर्स अड्रेन, तो पूछा जाता है कि अपने का तीसरा फायदा किया था तो यह है कि वो प्टर सहन पर एक्ट करके पेन कंट्रोल ए अनर्जीजिया के लिए भी हेल्पफुल होती है तो एक तो ये कि वो एक तो ये कि वेक्टर लोकल के एक्शन को इन्हेंस कर रहे हैं साथ ही साथ वो खुद इट भी एनर्जीजियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट इज दर एडवांटेज ठीक है तो एक तो ये कि लोकल अपटेक ऑफ द लोकल एंड लोकलाइज न्यूरोनल अपटेक इज इन्हेंस्ड बिकॉज ऑफ सस्टेन्स लोकल टिश्यू कॉन्सेंट्रेशन और सेकंड uh, ये है uh, जिसकी वजह से हम uh, प्रोलॉन्ग लॉन्ग प्रोसीजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेन कंट्रोल के यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंडेड और uh, इसके रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो ये फायदा है क्योंकि अब टेक ज़्यादा हो रहा है कि पीक ब्लड लेवल्स कम हो जिसकी वजह से उसके सिस्टम साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे तीसरा ये कि एज वन गिवन एज स्पाइनल एनस्थेजिया इट आल्सो हैजक्शनलिया एज वेल अलॉन्ग विद इनहसिंग द इफेक्ट ऑफ लोकल अनस्थेटिक तो ये तीन फायदे हैं किसी वर्स कंस्ट्रक्टर को देने के या अपने फ्रेंड को देंगे अलॉन्ग विद लोकल एनाटिक्स